पहला फंदा इसको स्किप कर लिया, धागा अपनी साइड को लिया के आगे का फंदा उल्टा बुनना है, धागा बैक साइड को ले जाके आगे का फंदा सीधा बुनना है, धागा फ्रंट साइड को ले आके आगे का फंदा उल्टा बुनना है, धागा बैक साइड को ले जाके आगे का फंदा सीधा बुनना है, आगे का फंदा उल्टा बुनना है। ये बैक साइड है तो पहला फंदा इसको स्किप कर लिया, आगे का फंदा सिलाई वाले फंदे से ना बुनकर जो नीचे वाला फंदा है इससे बुनना है, धागा अपनी साइड को ले आके आगे वाला फंदा उल्टा बुनना है, आगे वाला फंदा ऊपर वाले फंदे से ना बुनकर जो नीचे वाला सीधा फंदा है इससे बुनना है, धागा अपनी साइड को ले आके आगे वाला फंदा सिलाई वाले फंदे से बुनना है उल्टा, धागा बाहर की तरफ को ले जाके आगे वाला फंदा ये सीधा है इसको ऊपर वाले फंदे से ना बुनकर जो नीचे वाला फंदा है इससे बुनना है, आगे वाला फंदा उल्टा बुनना है, आगे वाला फंदा ऊपर वाले फंदे से ना बुनकर जो नीचे वाला सीधा फंदा है इससे बुनना है। आगे वाला फंदा सीधा बुनना है। तो ये पैटर्न के बीच में 2 रो सिंपल लगानी है। आगे वाला फंदा सीधा बुनना है। तो ये पैटर्न वाली 2 रो पैटर्न वाली है, अब इसके बीच में 2 रो सिंपल लगानी है।